हेलो एंड वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। इस वीडियो के पिछले भाग में हमने जाना एक न्यूक्लियर रॉकेट केमिकल रॉकेट से कैसे बेहतर है, न्यूक्लियर रॉकेट की एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है और न्यूक्लियर रॉकेट की टेस्टिंग कब और कहां पर शुरू हुई और किस साल में न्यूक्लियर रॉकेट का मॉडल बनकर तैयार हो गया। तो जी तीन एजेंसियों के प्रयास से न्यूक्लियर रॉकेट बनकर हो गया तैयार। आइए अब समझते हैं एक न्यूक्लियर रॉकेट की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। अब आप मेरे से पूछ सकते हो कि जब न्यूक्लियर रॉकेट बनकर तैयार हो ही गया था तो आज तक उसे उड़ाया क्यों नहीं गया। बात तो सही है, पर आपको समझना होगा कि मॉडल बनाने और प्रोडक्ट बना लेने में बहुत फर्क होता है। अब आप कहोगे अच्छा ऐसा कौन सा फर्क होता है, मॉडल को बड़ा कर दो बन गया प्रोडक्ट। नहीं, इसीलिए इसे रॉकेट साइंस कहते हैं दोस्त। इस रॉकेट को बनाने में सबसे पहली समस्या थी कि इसका लाइफ टाइम कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि टेस्टिंग से हमें ये तो पता लग गया कि न्यूक्लियर रॉकेट काम तो करेगा लेकिन स्पेस में इसका लाइफ साइकिल कितना होगा ये पता करना अगला मिशन बन गया। और दूसरी समस्या थी कि एक रिएक्टर को इस तरह से डिजाइन करना जिससे रॉकेट को बनाने में कोई समस्या ना आए। आइए समझते हैं न्यूक्लियर रॉकेट के डिजाइन को। इसका रिएक्टर सिलेंड्रिकल शेप का सॉलिड कोर के रूप में बनाया गया और इस कोर में यूरेनियम एटम का फिशन हीट का सोर्स बना और बेरिलियम से इस कोर का रिफ्लेक्टर बनाया गया। अब आप कहोगे वेट अ मिनट, ये चल क्या रहा है, पिछली वीडियो में तो हम न्यूक्लियर रॉकेट में हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रहे थे, अब यहाँ पर यूरेनियम कहाँ से आ गया। नहीं ये ना चलेगा, इतनी जल्दी तो नेता लोग भी पार्टी नहीं बदलते। जितनी जल्दी आपने पूरा टॉपिक घुमा दिया। अरे रुक जा मेरे क्रांतिकारी वैज्ञानिक, मेरी भी सुन ले। अगर 2 मिनट शांत होकर मेरी बात सुनोगे तो सब समझ में आ जाएगा। इस रिएक्टर में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा, बिल्कुल होगा, बस थोड़ा सा वेट कर लो। फिलहाल के लिए ये जान लो कि यूरेनियम के फिशन रिएक्शन से हीट पैदा होगी और बेरिलियम से न्यूट्रॉन को रिफ्लेक्ट किया जा सकता है, इसीलिए उससे रिफ्लेक्टर बनाया गया। इस कोर के अंदर बहुत सारी ग्रेफाइट की रोड भी लगाई गई हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर उछलते कूदते न्यूट्रॉन की रफ्तार पर लगाम लगाने का काम करेंगी, बोले तो न्यूट्रॉन की मूवमेंट को स्लो करेंगी। और इस कोर में बहुत सारे पाइप के आकार की खाली जगह भी छोड़ी गई है। अब इस खाली जगह से निकलती हुई हाइड्रोजन, हाँ जी हाइड्रोजन, लो आ गई हाइड्रोजन, अब खुश हो गई तसल्ली, पड़ गई दिल में ठंडक। तो खाली जगह से निकलती हुई हाइड्रोजन रिएक्टर के द्वारा पैदा की गई गर्मी को अपने अंदर सोख लेती है। अब आप मेरे से कहोगे ये कौन सी नौटंकी चल रही है, कोई भी कहीं से भी कुछ भी आ रहा है, कहाँ से आई हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन रिएक्टर से निकलती हुई इस गर्मी का क्या करेगी, सब बताऊंगा, थोड़ा सा तो वेट कर लो। पहले इन सिलेंड्रिकल पाइप को समझो। इन सिलेंड्रिकल पाइप के अंदर चारों तरफ हमने की है नायोबियम कार्बाइड की कोटिंग। अब आप कहोगे चलो ये तो बता दो क्यों करी है कोटिंग। हाँ चलो ये बता देता हूँ, नायोबियम कार्बाइड वो मटेरियल है जो गर्म ग्रेफाइट के ऊपर से बहती हुई गर्म हाइड्रोजन के कॉन्टेक्ट में आने पर होने वाले कोरोजन को रोकता है और ये हाइड्रोजन लिक्विड स्टेट में एक बड़े से टैंक के अंदर स्टोर करके रखी जाती है ताकि कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन का वॉल्यूम स्टोर किया जा सके। अब आप पूछोगे ऐसे कितने टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं इसको और टैंक से ये रिएक्टर की तरफ कैसे जाती है। तो जी हाइड्रोजन को हमने -420 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लिक्विड स्टेट में रखा है जिसे एक पंप की सहायता से, और ये पंप टर्बो पंप है, हाँ तो एक पंप की सहायता से रिएक्टर के नोजल की तरफ भेजा जाता है जहाँ से वो अंदर की तरफ दिए गए पतले रास्ते से होती हुई रिएक्टर के प्रेशर सेल में जाकर रिएक्टर की तरफ चली जाती है। अब यहाँ पर आप मेरे से दो और सवाल पूछोगे कि जब हाइड्रोजन अपने टैंक से बाहर आई तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ होगा तो हाइड्रोजन का एक्सपेंशन भी हुआ होगा, और अगर एक्सपेंशन हुआ तो हाइड्रोजन को ले जाने वाली पाइप की फिटिंग क्या फटेगी नहीं। और दूसरा, अगर इस जुगाड़ में यूरेनियम का इस्तेमाल हो रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जबरदस्त गर्मी पैदा हो रही होगी, तो क्या धरती पर कोई ऐसा मटेरियल है जो इस गर्मी में अपने आप को पिघलने से बचा ले। और एक बोनस क्वेश्चन कि ये कैसा ऊटपटांग डिजाइन बनाया इंजीनियर्स ने, अगर हाइड्रोजन का टैंक आगे लगा था तो हाइड्रोजन को सारे में घुमाने के बाद वापस आगे लेके आने की क्या जरूरत थी, ये काम तो सीधा सीधा भी किया जा सकता था, टैंक से हाइड्रोजन सीधे रिएक्टर में भी तो जा सकती थी और डिजाइन भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनता, इससे अच्छा डिजाइन तो हम ही बना लेते। अब अगर आपका हो गया हो तो मेरी भी सुन लो। तो पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन को हम बहुत मजबूत अलॉय की मदद से बनाए गए पाइप के रास्ते से नोजल की तरफ लेकर जाएंगे। और रह गई बात गर्मी से चीजें पिघलने की, तो आप यहाँ पर सही हो, चीजों को बिल्कुल पिघलना चाहिए, लेकिन वो पिघलेंगी नहीं क्योंकि हाइड्रोजन जिस जिस रास्ते से निकलती है वहाँ वहाँ वो आसपास की चीजों के तापमान को कम कर देगी, क्योंकि हाइड्रोजन का टेम्परेचर वैसे ही बहुत कम है, और ऐसा करने से नोजल, रिएक्टर और रिएक्टर की शेल तीनों का तापमान अपने आप ही कम हो जाएगा, यानी उन्हें कूलिंग मिलती रहेगी। अब इतना तो पक्का है कि इस डिजाइन के साथ कोई सस्ता मजाक तो नहीं हुआ है, बल्कि ये पूरी तरह से सोच
समझकर बनाया गया है। अब ये जो हाइड्रोजन है रिएक्टर कोर में दिए हुए छेदों से निकलती हुई 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान तक पहुंच जाती है और फिर होता है इसका जबरदस्त एक्सपेंशन। और जब ये एक्सपेंडेड वॉल्यूम नोजल से निकलता है तो ये पैदा करता है जबरदस्त थ्रस्ट। अब आप मेरे से एक और सवाल पूछोगे कि भैया आप तो खुद मशीन डिजाइन एक्सपर्ट हो, मशीनों को अच्छे से समझते भी हो, आपको नहीं लगता कि ये डिजाइन सही नहीं है? क्योंकि जब टैंक में हाइड्रोजन का वॉल्यूम धीरे धीरे कम होगा तो टैंक से निकलने वाली हाइड्रोजन की रफ्तार भी कम हो जाएगी, और जब कम हाइड्रोजन निकलेगी तो अब दो चीजें हो सकती हैं। पहले कूलिंग कम होगी और एक ऐसा टाइम आएगा कि गर्मी की वजह से ये रॉकेट फेल हो जाएगा। और अगर किसी तरह से रॉकेट के रिएक्शन को कंट्रोल कर लें जिससे टेम्परेचर इतना ना बढ़े कि रॉकेट फेल हो, तो भी कम हाइड्रोजन का मतलब कम थ्रस्ट यानी रॉकेट धीमा पड़ जाएगा। मतलब डिजाइन में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। देखो अगर आपके दिमाग में भी ये बात आई है तो सबसे पहले आपके लिए तालियां, क्योंकि आपका दिमाग भी एक वैज्ञानिक की तरह काम कर रहा है। और अगर नहीं आई तो आपको ये पता चल गया होगा कि वैज्ञानिक कैसे सोचते हैं। वैसे ये एक समस्या तो है, समस्या ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी समस्या है। पर अगर आप सोचो तो हमारे पास इसे ठीक करने के लिए ज्यादा ऑप्शन नहीं है, पर एक काम कर सकते हैं, अगर हम एक ब्लीड लाइन को सेटअप कर दें। अब ये ब्लीड लाइन क्या होता है? ये वो लाइन है जिससे जली हुई हाइड्रोजन का एक छोटा सा हिस्सा उस टर्बो पंप की तरफ जाएगा जो हाइड्रोजन के टैंक से हाइड्रोजन को खींच कर नोजल से रिएक्टर की तरफ भेज रहा है। अब इस टर्बो पंप पर लगी टर्बाइन को हम इसी जली हुई हाइड्रोजन के छोटे से हिस्से की मदद से घुमाएंगे और ये एग्जॉस्ट इस पंप को धीरे होने ही नहीं देगा और लगातार सेम रेट पर हाइड्रोजन की सप्लाई चालू रहेगी। और हाँ, एक जरूरी चीज, हमने इतनी हाइड्रोजन टैंक में भरी है जो आने जाने दोनों के लिए काफी होगी, तो आप क्वांटिटी के बारे में टेंशन मत लो। लेकिन आपकी प्रेशर वाली बात बिल्कुल सही थी। अब इतने कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को इतना कॉम्पैक्ट तरीके से एक साथ काम करते हुए देखना विज्ञान के किसी चमत्कार से कम नहीं। चलो अब जानते हैं एक रिएक्टर कैसे काम करता है। इस मैकेनिज्म का रिएक्टर यूरेनियम 235 के फिशन से चलता है। अब यहाँ आती है एक समस्या, अगर न्यूक्लियर फिशन हो रहा है तो इस फिशन की रिएक्शन से निकलने वाले न्यूट्रॉन जो एक चेन रिएक्शन को सेटअप करेंगे उन्हें कंट्रोल कैसे करें? क्योंकि अगर उन्हें कंट्रोल नहीं किया गया तो ये रिएक्टर एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह फट जाएगा। देखो भैया, बात तो बिल्कुल सही है, न्यूक्लियर रिएक्शन से न्यूट्रॉन तो निकलेंगे और वो चेन रिएक्शन को भी सेटअप करेंगे। और ये भी सही है कि अगर उन्हें कंट्रोल नहीं किया गया तो रिएक्टर न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह ही फटेगा। तो चलो अब सुलझाते हैं इस समस्या को। जरा सोचो कितना अच्छा होता अगर कोई ऐसा जुगाड़ हो जाए जो इन फालतू के न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर ले ताकि न्यूट्रॉन की संख्या कभी भी इतनी ज्यादा ना बढ़े जो इस रिएक्शन को अनकंट्रोल्ड लेवल पर ले जाए। तो न्यूट्रॉन के एब्जॉर्प्शन के इस काम को करने के लिए बेरिलियम रिफ्लेक्टर के अंदर कंट्रोल रोड्स लगाई जाती हैं जो बेरिलियम से ही बनी है। अब आप मेरे से कहोगे वेट अ मिनट, अगर बेरिलियम से रिफ्लेक्टर बना है जिसका काम अभी तक आपने हमें नहीं बताया, पर जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि वो कुछ तो रिफ्लेक्ट जरूर करेगा, तो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए तो कोई एब्जॉर्बर होना चाहिए ना। ये रिफ्लेक्टिंग वाले मटेरियल से एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? ये कुछ ज्यादा ही उटपटांग हरकतें नहीं हो रही यहाँ पर? ये रॉकेट साइंस तो बिल्कुल लॉजिक के उलट चल रहा है। अरे रुको रुको, पहले पूरी बात तो सुन लो, एकदम तीर तलवार निकाल के चढ़ाई मत करो। सुनो अब ध्यान से, शुरू करते हैं रिफ्लेक्टर के काम से। तो रिफ्लेक्टर का काम है रिएक्शन से निकले न्यूट्रॉन्स को वापस रिएक्टर कोर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देना ताकि इस चेन रिएक्शन की रफ्तार को और बढ़ाया जा सके। लेकिन बेरिलियम की इन रोड्स के एक साइड पर बोरोन से कोटिंग की जाती है जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। शुरुआत में बोरोन वाली साइड रिएक्टर की तरफ होती है और लगातार न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि न्यूक्लियर फिशन अपने आप स्टार्ट ना हो जाए। इन रोड्स को घुमाकर यानी बेरिलियम वाली साइड को रिएक्टर कोर की तरफ करने से रिएक्शन स्टार्ट होती है। न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब होने के बजाय रिएक्शन को स्टार्ट करने का काम करते हैं जिससे चेन रिएक्शन सेटअप हो जाती है। एक रिएक्टर कितनी गर्मी पैदा करेगा ये इन्हीं रोड्स की पोजीशन से पता चलता है, और गर्मी उतनी ही ज्यादा पैदा होगी जितनी ज्यादा बेरिलियम रोड्स रिएक्टर के कोर की तरफ घुमा दी जाएंगी। जैसे ही जरूरत के मुताबिक टेम्परेचर अचीव होगा रोड्स को वापस घुमाकर रिएक्शन को स्टेबलाइज कर दिया जाएगा, और हीट को कम करने के लिए रोड की बोरोन वाली साइड को रिएक्टर कोर की तरफ घुमाकर रिएक्टर को बंद भी किया जा सकता है। इन रोड्स को रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जा सकता है। इस तरह के इंजन को बनाने के बाद उसकी एक टेस्ट फैसिलिटी कैलिफोर्निया में बनाई गई, और समस्या अभी भी वही थी कि कम से कम वजन में ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस निकालना। 1965 में किए गए टेस्ट में न्यूक्लियर रॉकेट लगभग 1 घंटे तक जिसमें 16 मिनट तक फुल पावर पर चलाया गया था, लेकिन इस टेस्ट में हाइड्रोजन को अलग से एक पंपिंग फैसिलिटी की मदद से रिएक्टर के अंदर पंप किया
किया गया था, यानी रिएक्टर में मौजूद टरबाइन का इस्तेमाल नहीं किया गया। 1969 में टर्बो पंप लगाकर पहली बार हाइड्रोजन को रिएक्टर के साथ अटैच करके एक सक्सेसफुल टेस्ट किया गया। ये था पहला सेल्फ स्टार्टिंग टेस्ट। ये स्टार्ट भी हुआ और फुल पावर पर चला भी। यहां से वैज्ञानिक और इंजीनियर्स को ये पता लग गया कि एक न्यूक्लियर रॉकेट अपने आप शुरू हो सकता है, जिसे रिमोट कंट्रोल की मदद से जरूरत के हिसाब से बंद भी किया जा सकता है। 1969 में ही पहली बार स्पेस के जैसा एनवायरनमेंट बनाकर रॉकेट को धरती पर ही टेस्ट किया गया, यानी रॉकेट के नोजल के नीचे वैक्यूम चैम्बर बनाकर इसकी टेस्टिंग की गई। अब इसके बाद अमेरिका ने इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन में साझा नहीं की। मतलब अगर सीधे शब्दों में बोलूं तो न्यूक्लियर रॉकेट के सफल टेस्ट के बाद क्या अमेरिका ने उसे स्पेस में छोड़कर टेस्टिंग की या नहीं की, और अगर की तो क्या वो स्पेस में सफल हुआ, इसकी जानकारी अमेरिकी सरकार ने पब्लिक डोमेन में किसी को नहीं बताई। लेकिन अगर मान लें कि भविष्य में न्यूक्लियर रॉकेट से स्पेस के दूर दराज के ग्रहों पर जाना संभव हुआ तो ये प्रोसेस कैसे किया जाएगा, आइए अब इसे भी समझ लेते हैं। सबसे पहले एक केमिकल रॉकेट की मदद से न्यूक्लियर रॉकेट के भारी भारी सामानों को अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर स्पेस में छोड़कर इकट्ठा किया जाएगा और स्पेस में ही इनको वापस असेंबल किया जाएगा। थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन ये हम कर लेंगे, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि ये काम आसानी से किया जा सकता है। जैसे अंतरिक्ष में हम स्पेस स्टेशन को असेंबल करते हैं, ठीक उसी तरह से इस रॉकेट को भी असेंबल कर लेंगे। ये रॉकेट कई स्टेज में काम करेगा, जिसकी पहली स्टेज में 3 क्लस्टर रॉकेट एक साथ ऑपरेट करते हुए इसे जरूरी रफ्तार देंगे। और हाँ, एक जरूरी बात, इस बड़े रॉकेट में केमिकल रॉकेट और न्यूक्लियर प्रोपल्शन दोनों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद बची हुई 2 स्टेज का इस्तेमाल करके एस्ट्रोनॉट मंगल पर दंगल करने के लिए पहुंच जाएंगे। जब पहला क्लस्टर रॉकेट फायर किया जाएगा तो वो रॉकेट को जरूरी रफ्तार देकर ये सुनिश्चित करेगा कि रॉकेट पहले से ही डिसाइड की गई रफ्तार और समय में मार्स तक पहुंचने के लिए जरूरी रफ्तार को हासिल कर ले। जब पहली स्टेज का फ्यूल खत्म होगा तो रॉकेट अलग हो जाएगा और अब किया जाएगा मिड कोर्स करेक्शन। बोले तो पहले से निर्धारित रास्ते से अगर रॉकेट थोड़ा बहुत भटक गया है तो उसे ठीक किया जाएगा और इसके लिए केमिकल थ्रस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये मार्स की धरती की तरफ चल देगा, जहां पर इसका न्यूक्लियर रॉकेट स्टार्ट होकर इसकी रफ्तार को घटाने का काम करेगा, ताकि ये सुरक्षित तरीके से मार्स की सतह पर उतर सके। लेकिन उससे पहले ये रॉकेट 2 हिस्सों में अलग होगा, जिसका न्यूक्लियर वाला हिस्सा मार्स के चारों तरफ चक्कर लगाएगा और केमिकल रॉकेट वाला हिस्सा मार्स की धरती की तरफ चला जाएगा। अब आप मेरे से ये पूछ सकते हो कि ये न्यूक्लियर रॉकेट बाहर क्यों घूम रहा है, क्या इसका कोई काम है? हाँ जी बिल्कुल, यही है वो चीज जिससे आप वापस धरती पर आओगे, इसकी कहानी आगे बताऊंगा। तो जी, इस तरह से इंसान पहली बार मंगल ग्रह की धरती पर कदम रखेंगे और ऐसे शुरू होगा कार्यक्रम मंगल के क्रियाक्रम का। अब वापस आने के लिए केमिकल रॉकेट की सहायता से मॉड्यूल को मार्स के ऑर्बिट में घूमते हुए न्यूक्लियर रॉकेट की तरफ भेजा जाएगा, जहां पर ये वापस न्यूक्लियर रॉकेट से जुड़ जाएगा। अब एस्ट्रोनॉट मॉड्यूल से निकलकर मेन रॉकेट की तरफ चले जाएंगे और मॉड्यूल रॉकेट से अलग हो जाएगा और अब ये न्यूक्लियर रॉकेट धरती की तरफ चल देगा और जरूरी रफ्तार पाने के बाद न्यूक्लियर रॉकेट आखिरी स्पेस मॉड्यूल से भी अलग हो जाएगा और धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर होने से ठीक पहले मेन रॉकेट में बैठे एस्ट्रोनॉट री एंट्री व्हीकल के अंदर चले जाएंगे, जो लैंडिंग मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। अब इसके अंदर लगे केमिकल रॉकेट इसकी री एंट्री स्पीड को कंट्रोल करेंगे और एक सुरक्षित रफ्तार पर लेकर आएंगे। अब इस री एंट्री व्हीकल का फाइनल हिस्सा अलग होगा, जिसमें सारे एस्ट्रोनॉट बैठकर धरती की तरफ गिरना शुरू कर देंगे और रफ्तार धीमी होने के बाद इस मॉड्यूल से एक पैराशूट निकलकर एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित जमीन पर लैंड करा देगा और ऐसे पूरा होगा धरती से मार्स और मार्स से धरती का सफर। और ये सब है हमारे प्लान का हिस्सा, जिसमें अभी बहुत सारी समस्याएं आएंगी, जिन्हें सुलझाने में लगातार वैज्ञानिक और इंजीनियर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये था आपका न्यूक्लियर रॉकेट और अब हम जानेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर काम करने वाले लाइट इंजन के बारे में और उसके बाद चलेंगे क्वांटम मैकेनिक्स पर। तो जब तक मैं वो वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, तब तक के लिए बोलो मेरे संग जय हिंद जय भारत।